और उनके किरदार की तिरछट हमारे समाज में हमारी माँ बहनों को पहुँच जाए और हमारा माशरा बेहतर से बेहतर हो जाए। उस दुआ की कबूलियत के लिए सलावात
ये दो बड़े इलाके थे जहां दो बड़ी सभ्यताएं, संस्कृति, कल्चर डेवलप थे, बड़े शहर थे। अब मक्के से जनाब खदीजा का ऊंट सामान्य तजारत लेके जाता था, कितने ऊंट जाते थे? 7,000। कितने? 7,000 यमन और 7,000 शाम। इस वक्त तजारत का डिजाइन क्या था? मक्के से सामान उठाया, जल्दी से बता दूं, बहुत देर सफर करना है आपके साथ और बहुत सी बातें पेश करनी है। आज एक मालिका के बाद बयान करूंगा, एक कनीस की बात। 7,000 मक्के से सामान लिया, शाम पहुंचे, शाम में बेचा, शाम का सामान उठाया मक्के में बेचा, मक्के का सामान उठाया यमन पहुंचे, यमन में बेचा, यमन का सामान उठाया शाम मक्के में आया। यही तिजारत का डिजाइन था और इस ट्रैक को अमनियत बख्शा था। ऐसे इस पूरे ट्रैक को, हाईवे को अमनियत बख्शा था, कबीलाई इलाकों से समझौता कर करके अपने मुनाफ ने। तो शरीफों के खानदान ने शराफत से तजारत करना रायज किया और चोर अपना 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 काम करते रहे, होता है अपने आप को मिलता रहे। मगर मेरा एक सवाल आपसे, जहन पर जोर देकर सोचिएगा, आपके यहाँ अमानी का प्रोग्राम चेकू में होता है, दीगर मौकों पर होता है, 5-7 ऊँट आते हैं सजने के लिए, अमानी की शबीह बनने के लिए। एक अच्छा खासा इलाका चाहिए होता है, कम से कम मिनिमम फिगर में 3,000 स्क्वायर फीट की एक जमीन चाहिए होती है। मैंने देखा है अमानी के लिए ऊँट आया और उधर करबला की तरफ खड़ा है, गली पूछे लॉन और बरांडे में ऊंट नहीं खड़े किए जाते। तो 5-7 ऊंट के लिए इतनी जगह स्क्वायर करनी है आपको, इतनी जगह हायर करनी है आपको, इतनी जगह बनानी है आपको। तो जिसके पास इतने ऊंट हो उसके पास जमीनें कितनी हो, और इतनी ईमानदारी से तजारत इस दौर में एनालाइज कर ले आप, महसूस करें, आंकड़ा दे दें आपको कि आप जरा सा महसूस तो करें। हम माल कमा तो सकते हैं मगर उस माल पर अगर, यानी कितनी श्योरिटी और प्योरिटी है माल में, कैसे समझाऊं आपको, कितना खालिस है माल, कि खालिक अपनी निस्बत दे रहा है। बा, 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 कितना खालिस है माल के परवरदिगार कह रहा है कि पैगंबर आप गरीब न थे जो हमने आपको माल दी, और माल कैसे दिया बता, एक झलक दिखा दू, बात आ गई, जल्दी से मुकदमे की भीड़ से बिल्कुल निकल जाऊं जल्दी से। बहुत सी बातें करनी होती है, कुछ बातें कल छूट गई, कुछ बातें परसों छूट गई, जब किताब देखता हूँ तो देखता हूँ पढ़ा गया, देखता हूँ क्या पढ़ा के, और वक्त देखता हूँ तो कहता है कि बच्चा क्या। तो अब तभी मैं नहीं जाऊंगा और बिल्कुल आपके हुजूर में जल्दी से अर्ज करूंगा, जनाब खदीजा के लिए रोज पैगंबर अफसुदा होके खड़ा। सुन्नी शिया सबकी रवायत है पैगंबर अफसुदा होके खड़ा। माल देखिए, माल बेहतरीन काम है। मैंने पैगंबर के वालिदा के तारीख को पढ़ने के वक्त पे बताया था कि अगर चाहते हैं कि रिस्क में बरकत हो तो पैगंबर की वालिदा का वास्ता देके अपने लिए रिस्क का वसूल करें। आज कह रहा हूं कि पैगंबर ने फरमाया था कि अगर माल में इजाफा चाहते हैं, बरकत, ऐसे कहते हैं ना कि यार कमा तो मैं बच नहीं रहा, तो देना सीखें। मैं आसानी से कह रहा हूं, देना सीखें और कोशिश करें कि खुद ना दे, बच्चों से दिलवाएं।
ताकि सखावत इनके अंदर डेवलप करती रहे, सखावत इनके अंदर डेवलप करती रहे। भाई आपने सदका निकाल दिया, आपने किसी को देने के लिए माल निकाल दिया, इस्लाम के लिए पैगंबर के पास एक दिन साहबी बैठे हुए थे, वो अच्छे साहबियों के बारे में, मैं साहबी लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आप समझिएगा रिजवानुल्लाह ताला अलैह की बात कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। हां जिनकी अपनों पर ताला लगा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सलावत पढ़ते मोहम्मद सितारे, जमीन पहो तो बसीरत के मनारे, मतलब किस तरह से आपको कहूं पहुंचाऊं, ये तो झूले तो आप हल करते हैं, आप तो अगर अंदर कुछ है तो पढ़वाने का हुनर रखते हैं। साहबा आर्श पहो तो सितारे, जमीन पहो तो बसीरत के मनारे, कुरान के साथ हो तो तहारत के पारे, और शर्त यह है कि रसूल के साथ हो, रसूल के साथ हो तो सारे हमारे। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद रसूल के पहाड़ पर मानिंद बुज भाग न जाए। साहबा बैठे हुए थे, किसी ने कहा कि नबी अल्लाह मुश्किल बहुत पेश आ रही है, कहा सदका दो सदका दो सदका दो सदका, बेहतरीन अपने कामों का सदका, सिर्फ सफर का सदका नहीं कि निकल रहे सफर का सदका देकर, हर काम का सदका, इम्तिहान देने जा रहे सदका, अपनी इम्तिहान, अरे भाई हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं, मिंबर पर बैठे हजरत ज़हरा लवा कह रहे हैं, आज मैं काट कह रहा हूं, मैं मजलिस पढ़ने का सदका, खुदा को गवाह करके कह रहा हूं ये बात, मेरी जबान चल जाए, मैं मजलिस पढ़ने का सदका कार्य नेक है या नहीं, मगर सदका देता हूं, नियत कर लिया सदका देता हूं, मैं अपनी मजलिस की कामयाबी के लिए, आप इम्तिहान की कामयाबी के लिए, आप तिजारत के लिए सदका नहीं देते, एक बार देते तो देखे, हदीस पैगंबर है, हर नेक काम के लिए सदका दो, फिर काम में बरकत देखो। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद अब पैगंबर फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि माल में बरकत हो, जितना कमाया उसमें बरकत हो, तो देना सीखो, जब तक दोगे नहीं आएगा नहीं, जब तुम खुद ही रोक लोगे तो खुदा कहेगा है तो इसके पास देने की जरूरत है, और अगर देने लगोगे तो वो भी देखेगा कि इसने मेरी अता समझ लिया है, तो वो तुम उसे दोगे वो तुम्हें देगा, ये कानून है, लिहाजा देना सीखो। सदका क्वांटिटी भी बता दूं, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने कहा हजार रोज सदका देता हूं, मैंने कहा कितना, उन्होंने कहा 5-10, आज किसी को मिला था है? वो होता है कि जब जेब में हाथ डाला और फुटकर निकला 2, 1, 5, 10 जो निकला वो बोझ समझ के, बोझ नहीं देना है, सदका वो देना है कि जो दिल को एहसास हो कि ये रकम रहेगी तो इस्तेमाल करता, सदके में कुर्बे खुदा देखना है, सदका दे गया किसका रहेगा, माल का, माल कितना मार्केट में फंसा है, भैया कारोबार करते हैं आपका पैसा उसने रोक दिया कि बाद में देंगे, कितना लेना का 25,000 देना है, सदका कितने का निकाला का 5 रुपया, किस परसेंटेज पर जिसकी मैथ अच्छी हो सेट कर ले, तो सदके के लिए पैगंबर ने मिला, सदके के लिए पैगंबर ने फरमाया कि इतना दो कि एक आदमी एक टाइम की गजा खा पाए, क्या कॉमन जुमला है हर दौर में सेट और फिट होने वाला, एक सलावत पढ़ने मोहम्मद देने का मतलब आपको यही जल्दी से बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा मेरा इस मौजू पर कि देने का मतलब ये नहीं कि जैसे हमने रुपया दिया तो रुपया ही रिप्लाई आएगा, रिवीजन में रुपया नहीं आएगा, हो सकता है कि रुपया आ जाए मगर हो सकता है कि आपकी सेहत में इजाफा हो जाए, हो सकता है कि आपके तालीम में इजाफा हो जाए, हो सकता है क्योंकि रिस्क में परवरदिगार ने इल्म को भी रखा है, रिस्क में पड़ोसी को भी रखा है, अच्छा
पड़ोसी भी बेहतरीन विश्व की दलील है। अभी फिर मौका मिला, अभी बस सदका दो दो ताकि इजाफा हो, बरकत आए। अब पैगंबर अफसुदा हो गया, जहनामा का हो गया, अब शुरू करूं। पैगंबर आए अफसुदा हो गए, अल्लाह अकबर। कुछ और कोई और होता तो कमसिनी की बुनियाद पर समझ ही ना पाता कि अफसुदा क्यों है। सलावत पढ़ते मोहम्मद मगर ये जिम्मेदार खातून थी जो चेहरे का असर देख के पहचान गई कि हुआ क्या है। जरा सा तारुफ करा दूं, जो बदमाश लोग हजरत खदीजा से अपने कीने और हसद को निकालते हैं किस बुनियाद पर, वो भी बता दूंगा। मगर अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बड़ा सा कि जनाब खदीजा के पास पैगंबर घर में लिया है और आके अफसुदा हालत में मतलब जनाब खदीजा ने पूछा खैर तो है, तो कहा मैं जो इस्लाम की तबलीग कर रहा हूं उसमें बहुत से ऐसे हैं जो मसाकीन हैं, मजलूम हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, नादार हैं, मकरूज हैं। और अब इसकी बुनियाद पर बहुत से ऐसे हैं, चौलस की जबान बतेरे ऐसे हैं कि जो गुलामी में हैं। मसलन कंडीशन क्या थी, मेरे बच्चे मेरे जवान मेरे बुजुर्गों की सरपरस्ती का समझे। मसलन मेरे किसी से कर्ज लिया, किसी से किसी अरबी से कर्ज लिया कि मुझे इतने चांदी के सिक्के दे दीजिए और मैं इतने दिन बाद अदा कर दूंगा। मैं नहीं दे पाया तो क्या करना है, का गुलामी करो आओ। अब मैं इस्लाम की अच्छाई देख के रग़बत रखता हूं तो वो काफिर, वो कहता जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, पहले मेरा कर्ज अदा करो तब जाओ। ये बेचारा फंस के रह गया। जहरा की मां को मां सुमय आलम की मां दरे गिरामी जी की सलावत है, अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए था मियां नबी अल्लाह मैं क्या कर सकती हूं। औरत सब बर्दाश्त कर सकती है मगर पैसे नहीं। और एक कम से कम कुछ लोग तो होंगे जो गवाही देंगे मुस्कुरा के कि पता नोटबंदी के वक्त चला था। मैं भी मुस्कुरा रहा हूं साहब, एक सलावत पढ़ते तो बहरहाल कुछ भी कह सकती थी। अच्छा असर होता है खानदानी, जहां सखावतें होती हो, जहां ईमानदारी होती हो, जहां शराफत होती हो, वहां हमेशा मदद का जज्बा उभरता है। नबी अल्लाह करना क्या है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। जितने लोग इस सिलसिले में गुलाम हैं उनको भी बुला लीजिए और जिनकी गुलामी में है, पॉइंट टू बी नोटेड, जिनकी गुलामी में है उनको भी बुला लीजिए। करना ही क्या है, एक सब मिस्कीनों की, नादारों की, गरीबों की, यतीमों की, मजलूमों की, मकरूजों की लग गई एक लाइन। क्यों, एक तरफ उमरा की लाइन लग गई, मैंने आसानी से कह दिया, एक तरफ उमरा की लाइन लग गई। तुम इसके कितने कर्जदार हो। जनाब खदीजा ने पर्दे में एक सवाल किया, गरीब जो भी था तुम इसके कितने के कर्जदार हो, कहा 300 दिरहम। ये तुम्हारे 300 दिरहम के मकरूज है। जी जी जी, तुम मेरे कितने कर्जदार हो, तुम मेरे कितने कर्जदार हो, कहा 3000 के मालिक हो, 3000 के, कहा मैंने तुम्हें 3000 माफ किया, तुम इसका 300 माफ करो। अब अजीजों ये जो आसन था, अमल था, तो इतना कुदरत को पसंद आ
ذات کا نام ہے، اس پاک دامن بی بی کا نام ہے کہ جس کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جس نے تجارت کر کے اور جس نے اس طرح سے زندگی کو منظم کر کے، اپنی تجارت کو رائج کر کے صرف نسواں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں، میرا جملہ پہنچا نہیں آپ تک۔ ہمارے یہاں ایک گزارش میں یہ بھی کروں اس موضوع پہ، ہو سکتا ہے کہ ایک دن اور لگے مجھے، مگر آج تو ذہنوں کو ذرا سامادہ کروں۔ ہمارے یہاں ڈھونڈا کیا جاتا ہے، کتنا بھی پڑھ لے اسے بورچے پانے کا اسیر کیا جاتا ہے۔ ارے کچھ سیکھ لو، جانا ہے کچھ بنا لو، کچھ کڑھائی بنائی، یہ سب فن ہے صاحب، یہ سب فن ہے۔ مگر عورت کو اسلام نے اسیر نہیں کیا ہے، اسلام نے عورت کو اسیر نہیں کیا، قید نہیں کیا، اسلام نے اتنی عزت عطا کیا ہے کہ اگر تم ہمارے مطابق دین کے دائرے میں اگر تجارت بھی کرو تو اسلام اسے پسند کرتا، مگر دین کے دائرے میں، تو دین کے دائرے کا مطلب پہلی شرط حجاب ہے۔ اور اب اس مال کو دیکھیے، اللہ کتنی پاک دامن بھی دی کہ جس کی بیٹی کو اللہ نے طاہرہ قرار دیا، اصل سے مؤثر پتا چلتا، اصل سے مؤثر پتا چلتا، جس کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اپنے صنف میں، اپنے نسب اور نسب میں سات یا چھ پشت آگے جانے کے بعد جناب ابراہیم کی نسل سے متصل ہوئی ہیں۔ ہم ماں کی طرف سے، ہم باپ کی طرف سے، ایک صلوات پڑھنے محمد علیہ وسلم۔ احسان ہے حضرت خدیجہ کا اسلام پر، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین، یہ کس طرح سے تربیت کیا ہے، تربیت۔ اور اب ضد کیا تھی مسلمان، جو پیسہ لے کے آزاد ہوئے تھے اسی سماج میں ایک وبا پھیل گئی کہ وہ تو بوڑھی ہیں، یہ قصاص لیا ہے دشمنی علی کا اور دشمنی فاطمہ کا۔ علی کی دشمنی کا ابو طالب سے بغض اور کینہ اور ظاہر کیا ان لوگوں نے، اور فاطمہ کی دشمنی کا حضرت خدیجہ سے، چونکہ ان دونوں کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، سامنے کردار تھا، مگر مدینے کے نئے مسلمان جو ابھی پنپ رہے تھے پودے کی طرح، انہیں کیا معلوم تھا، تو ایک وبا پھیلائی گئی کہ وہ بوڑھی تھی اور یہ کافر تھے۔ اگر علی کے باپ ابو طالب نہ ہوتے نا، تو اسلام وہ مرتبہ ہوتا ہوں گا اور خدیجہ فاطمہ کی ماں۔ چونکہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اوورٹیک کرایا گیا ہے، گنی گنی لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے مقدس شخصیات کے فضائل کا قتل ہوا، مقدس شخصیات کے فضائل کا قتل ہوا ہے، صرف کہ کچھ چرواہے کی اولاد آگے آنی ہے، بے دین کو آگے آنا ہے، کسی اور شوق میں ملوث کو آگے آنا ہے، کسی اور طبیعت کے کارٹون کو آگے آنا ہے، تو اب کریں کیا؟ تو جگر ان لوگوں کو آگے لائیں تو وہاں فضیلتوں کے آسمان ہیں، تو پھر ان کے مقابلے پہ تو یہ بونے ہو جائیں گے۔ لہذا کچھ ایسی میخ لگا دو کہ دنیا اسی میں الجھ کے رہ جائے، یہ ہوا ہے، ورنہ جو شیر ابی طالب کے ساتھ جس کی وفات پر پیغمبر نے عام الحسن گوشت یعنی اعلان کیا ہو، اطلاع دیا ہو، بالکل اطلاع عام کر دیا کہ یہ سال غم،
जिसकी दौलत पर इस्लाम पला हो, बेशक बेशक, जिसकी दौलत। और अब जरा सा इजमाली खाका मैंने पेश किया है, जरूरतन जो भी यहां तक आपने का जहन बनाना था। अब इस घराने की कनीस की बात करी, मेरा हमेशा से हदफ ये रहा है कि जब तक कनीस और गुलाम ना इस घराने को समझे जाएंगे, तब तक आका और शाहजादी समझ में नहीं आएगी। एक सलावान पढ़े मोहम्मद वाले امین امامت قرار پائی ہے
फिजा अमीन है इमामत की निगाह में, औरत हो के अमीन है, यानी अमानतदारी के समझ के पैगंबर के जानशीन ने अमीन करार दिया, फिजा अमीन। और फजीलत बताऊं, ये पाल के जहरा ने बनाया था फिजा को। देखिए, अब मैंने जो जुमला कहा था कि बुजुर्गवार मुझे याद आ रहे, और आप सब मुतवज्जे रहिएगा, अगर गुजारिश है तालिब इल्म की, फिजा को पाल के उस मंजिल पर पहुंचा दिया, उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि जमाना दाही इलाके अम्मी कहे जमाना किसी को और है, मगर फिजा को पाल के सहरा ने ऐसा बना दिया कि हसनैन जैसे चार पांच लोग। अच्छा, अरबी
बात अरबों की बात है, अरबी समाज है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये चार पांच लोग जो चले थे जमात की शक्ल चली, एक जमात चली, आए खटखटाया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, खटखटाया अंदर से आवाज आई, कौन? हम आए हैं। अय अहले आज़ा, नाम जरूर बताया होगा मगर तकद्दुस मिंबर की कसम मेरे पास वो वक्त है ही नहीं कि मैं नाम ले पाऊं। कुछ बताया होगा, आला तिरछा बताया, कौन? हम आए हैं। अच्छा, कहते कहते दरवाजा खुला, बैतुल शरफ का दरवाजा खुला तो सामने हजरत फिज़ा, सामने हजरत फिज़ा, क्या बात है, क्या बात है। हमारी तब पूरब में एक जबान इस्तेमाल करते भिक्खी बन जाते, इधर पता नहीं क्या करते, हर कभी कभी किसी से मरूद होकर के जी बिल्कुल काटने लगते, और नेचुरली होना भी था क्योंकि फिज़ा के लिए उलमाए अहले सुन्नत उलमाए तशा कहते हैं कि फिज़ा ने, देखता हूं कौन खामोश रहता, फिज़ा ने मिनिमम 20 बरस, कम से कम 20 बरस, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 40 बरस कुरान से बात किया। समझ ले, कोई आईएस रैंक का हो उसके बोलने का अंदाज क्या होगा, कोई फोर्थ क्लास का हो चपरासी उसके बोलने का लहजा क्या होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। कोई भाई अधिकारी है और कोई कर्मचारी है तो बोलने का फर्क तो होगा ना, वो अपने ओहदे से बोलेगा, ये अपने ओहदे से सुनेंगे, यही होता है, यही होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा अधिकारी की जबान और होती है, कर्मचारी का लहजा और होता है। अब जैसे ही दरवाजा खुला, हम आए हैं, कौन, क्या बात है। अब जैसे ही हजरत फिज़ा को देखा तो उनकी तो घिक्की बनी, हम आए, और नेचुरली होना भी यही था। क्यों? उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले तशा कहते हैं कि फिज़ा उस ज़ाते गिरामी अक़दस का नाम है कि जिसने कम से कम 20 बरस, ज्यादा से ज्यादा 40 बरस जिसने कुरान से बात किया, तो आया अहले छावला मेरा जुमला जाया नहीं जाना चाहिए, जो कुरान से कम 20 बरस बात करे उसके एजुकेशन की क्या पोजीशन होगी, क्या बात है। हम आए हैं, क्या काम है, जहरा है, जहरा है, कहाँ है, मिलना चाहते हैं, काम बताओ। मैं कहूंगा फिर साहब नीज हो, खबरदार खबरदार, ख्याल रख के बात किया करो, मैं जहरा की तरबियत याफ्ता हूं, मिजाज शनासे इस्मत का नाम फिज़ा है, मेरा जुमला जाया जा रहा, मिजाज शनासे इस्मत का नाम फिज़ा है, ख्याल रख के बात किया, जहरा है, हाँ है, क्या बात है, मिलना चाहते हैं, काम बताओ, तो मैं नहीं बताएंगे। अब जहरा ने तरबियत का असर जाहिर किया, नहीं बताना है, वापस ये तो उनके पीछे चलने वाले फौरन सा छुपा के मौजी पे चले जाए। जैसे ही दो चार तीन कदम चले थे कि केवड़ी पाखड़े करे इस्लामी हिजाब की रियायत के साथ, हजरत फिज़ा ने आवाज दिया, रुको, ये रुक गए, पलटो, ये पलट गए। मैं हैदर में की गुजारिश करूं, अल्लाह जब चाहता है तो कलीस की इताअत करवा ले जाता है। मुट्ठियों में छिपा के लेके आए, अब ये हवास बांधता,
खुला, पलकें ने हैरत के नेजे पर पलकें आवेजा हो गई। हाँ, अब क्या करें, क्या करें, इसे कैसे मालूम, इसे कैसे मालूम। वह इस्लामी एजाज की रियायत के साथ फिजा ने हाथ बढ़ाया, वो बेहवासी में, जिसे हमारे यहाँ बदहवासी कहते हैं, और बदहवासी भी वो फारसी डायरेक्ट ठीक है समझ में आती है, मगर बेहवास, हवास नहीं है, हवास नहीं है। वो खाक तो देते जाओ, कंकड़ को पत्थर तो देते जाओ, जो मुट्ठियों में छिपा के लेके आते। फिरसा का बड़ा हुआ हाथ, इस्लामी हिजाब की रियायत, एक मरतबा वो बेहवासी में फिरसा के बड़े हुए हाथ और खाक रखते हैं। फिरसा ने पूछा, ये क्या है? कहा, खाक यही तो लाए थे। अरे अब देखो, आइए तो लालो जवाहिर बन गए। बच्चों, बच्चों, ये तो लालो जवाहिर बन गए। काम देखो, काम तो तस्बीह की आवाज आ रही है। अब फिरसा ने बुलंद आवाज में कहा, यही देखना चाहते थे ना कि पैगंबर के लिए जुज़्वे रिसालत फातिमा है कि नहीं। زہرا نے اس منزل پر پہنچا کہ مزاج شنا سے عصمت ہے زہرا فضا کو اپنا علم کیمیا معلوم تھا، علم کیمسٹری، علم اور یہ اثر بتائی کرتی گیا تھی کہ ان کے پاس ایک ایسا علم تھا کہ یہ لوہے کو سونا بنا دیتی تھی۔ जब यहाँ मैंने लगाया शेखर जी, तो मुझे बाहर हंसी तो आई, औरत और सोना बना ले। तो अगर हमारे समाज में ये हो, भाई मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ, आप नहीं जानता, हमारी तरफ अगर ये बात आम हो जाए कि कोई औरत सोना बना रही है, तो मर्दों का सोना हराम हो जाए। मर्दों का सोना आप पूछ के नहीं आए, जाके भी, अरे पूछिए ना, पूछ एक बार कैसे बनाते हैं। तो मर्द घर में थक कर के आया आराम करने के लिए, औजार आप गए थे, पहला सवाल गई ना होंगे, दूसरा सवाल जाना चाहते ही नहीं है, तीसरा अंदाज, और कहते कहते एक बार रखी है सलाम। साहब हम भी मंगल ग्रह से थोड़ी ना आए, इसी दुनिया के, तो थोड़ा बहुत तो तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब तो यहाँ से सुनने के बाद तो होगा। खैर, 10-12 दिन बाद भूल जाएंगे हम, मतलब 25 सफर पहुँचे हैं। एक और सलावत पढ़ो। देखिए साहब, हकीकत ये है कि सिंफ नस्वा अगर अपने आसम और इस्तेमाल में मुकम है, फिरसा की तरबियत है, जिसने लिबास शहाना दहलीज के बाहर उतारा हो और इस्मत की दहलीज को पार किया हो कनीजी के हाथे में, वो किस शान की खातून होगी, जिसकी आगोश में पले हो हसन और हुसैन, जिसकी उंगली थाम के चली हो ज़ैनब और कुलसूम, वो अमीन बनती है, अमीन। देखिए, तारीख इस्लाम में कुछ मर्द हैं जिनको मासूमी ने अमीन बनाया है, अमीन, अमीन हर कसून आकसून ही बनाया जाता है, और मासूम इमाम अगर किसी को अमीन बना रहा है, मसलन जाबिर अमीन बने हैं सलाम के, पैगंबर की तरफ से मेरा सलाम पहुंचाना मोहम्मद सलाम अमानत है और पहुंचाया तो अमानत के लिए इतने रिजवानुल्लाह ताला अलैह थे,
मगर अली को अमीन बनाया है अमानतों के लिए। कल सुबह सबकी अमानतें दे करके मक्के से मदीने आ जाना, अमानत को ही नहीं दी जाती। अब आइए करबला की दहलीज पर, इस घराने में है अमीन मासूम, मासूम ने अमीन बनाया। किसने? हुसैन। किसको अमीन बनाया है? फिजा। अमानत क्या है बताओ? अय अहले अदा दिल खान सुनना, ज़ैनब अमानत है। ज़ैनब अमानत। करबला में सब रोए, सब सकीना रोई, रबाब रोई, फरवा रोई, रुकैया रोई, लैला रोई, कुबरा रोई, सब कुलसुम। मगर दो शख्सियतें ऐसी हैं कि जो ना रो पाए, दो शख्सियतें ऐसी हैं जो ना रो पाए। एक मर्दों में सैयद सज्जाद और तो में जनाब ज़ैनब। जिम्मेदारी भी थी ज़ैनब कुबरा के पास, ज़ैनब कुबरा के पास जिम्मेदारी भी थी। एक एक बीबी का हाथ पकड़ के हुसैन ने ज़ैनब के हवाले किया। लोग कहते हैं कि ज़ैनब तुम्हें और मोहम्मद पर नहीं रो पाए, कैसे रोए ज़ैनब, कैसे रोए और किस तरह से रोए? जिसके पास रबाब जैसी अमानत हो, ज़ैनब रबाब का ख्याल रखना, इसने अभी कम से बच्चा रखा। ज़ैनब मेरे पास आओ और करीब आ जाओ, ज़ैनब और करीब आ जाओ मेरे पास आओ। यहाँ तक के हुसैन के बिल्कुल रूबरू है ज़ैनब। ज़ैनब हाथ और अपने दूसरे हाथ से बिल्कुल दबाए हुए बर्दाश्त ला रही है। और हुसैन कहते ज़ैनब रबाब के बाद लैला का भी ख्याल रखना, इसने जवान साल खोया है, अकेली रह गई लैला, इसका ख्याल रखना। कुबरा का ख्याल रखना, इसने तो अपने नौशा का जनाजा भी ना देखा। फरवा का ख्याल रखना, इसने तो अपने लाल की मैयत देखी मगर पटरी की शक्ल में। ज़ैनब इसका ख्याल, ज़ैनब उसका ख्याल, एक एक बीवी का ख्याल, सबको ज़ैनब के हवाले करके तेरे खैमा मफ़ज़ा करी थी। अम्मा फ़ज़ा मेरे पास आओ, अम्मा फ़ज़ा मेरे पास आओ, फ़ज़ा मरी माई, अम्मा फ़ज़ा सबको ज़ैनब के हवाले कर दिया, अम्मा फ़ज़ा सबको ज़ैनब के हवाले कर दिया। खुदा जानता है अम्मा फ़ज़ा, हमने अपनी माँ फातिमा के बाद आपको माँ जाना है। हुसैन कह रहे हैं अम्मा फ़ज़ा, हमने आपको अपनी माँ फातिमा के बाद माँ जाना है। अम्मा फ़ज़ा सबको ज़ैनब के हवाले, अब मेरी बहन ज़ैनब आपके हवाले। अहले अदा दिल खोल के रो, हुसैन के चेहरे को कुछ हो जाए, कहते कहते नहीं कह पाया और बात दूसरी तरफ निकल पड़ी, मगर इतना जरूर तो है कि रमजान के बाद मुहर्रम की आमद की और ईद उल अज़हा का उस तरह से तजस्सुस नहीं होता जितना आज़ादी के सिलसिले से ही है माँ। और जब मुहर्रम का चांद रात, मुहर्रम की चांद रात आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि हमें मौला ने 10 रोज दिए हैं, बीबी ज़हरा तुम्हारे बच्चों का 10 दिन रोना है। 10 रोज भी गुजर गया तो दिल को ये तस्कीन होती कि अभी मुहर्रम का महीना तो बचा है, लीजिए मुहर्रम का महीना भी तमाम हो गया। फिर ये एहसास होता है कि नहीं, अभी हुसैन का चेहरे पर है, हुसैन का चेहरे पर है।
बच्चे जो ये बरस हम हैं और ये काम फिर है जो चैन से तुम्हारा सना में कोई कमी न करना रोने पर इसलिए क्योंकि ये जो बच्चे जवान है ना तुम्हारे मातम को तुम्हारी आजादारी को तुम्हारे ऊपर बोले मां के जमान साया फिरन रहे हैं उधर रहमत नाजिल करे जानते हो तुम रो रहे हो ना तुम अकेले नहीं हो रहे अपने अंदर जो सलाहियत पैदा करो कि वो आवाज सुन सको कि कहीं आसपास में सकीना भी हो रही है जवान मरीज हो जाए तो कोशिश करना कि अली अकबर का वास्ता भी
देंगे। नजफ का एक मशहूर किस्सा है, नजफ अशरफ का एक तालिब इल्म हुआ करता था, मोहम्मद हुसैन नाम था उसका, मोहम्मद हुसैन अरब था। उसके घर में उसके बाप का इंतकाल हो चुका था, अकेली माँ थी। मोहम्मद हुसैन किसी मर्ज में मुब्तला हुआ उसके लिए उस जमाने के हकीमों ने, डॉक्टरों ने कहा कि इसके लिए अंगूर नुकसानदेह है, इसे अंगूर नहीं लेना। कुछ दिन बाद मोहम्मद हुसैन अपने दवाओं से ठीक होने लगा, दुआओं से ठीक होने लगा, मौला के करम से ठीक होने लगा। माँ भी खुशहाल थी। एक रोज 6 महीने 7 भर के बाद माँ बाजार गई, वहां मौसम के फल के एतबार से अंगूर आया था। उसने एक गुच्छा ले लिया, लाई, ताक पर रख दिया। जैसे ही ताक पर रखी, मोहम्मद हुसैन सो रहा था। मोहम्मद हुसैन उठा, जवान तालिब इल्म था। मोहम्मद हुसैन अभी नहास से उठा था, बीमारी से उठा था। उसने देखा कि ताक पर अंगूर रखा है। उसने कुछ खोशे दाने उठाए और अपने मुंह में रख लिए कि अब तो ठीक हो चला हूँ, उस फर्क नहीं पड़ेगा। उसने 2-4 दाने खोशे अपने मुंह में रख लिए। अभी रखना था कि तबीयत में तगैयुर आया, तब्दीली आई। तड़पने लगा। जब तड़पा तो चीख निकली तो माँ हुजरे से बाहर निकली। उसने जो जवान को तड़पता देखा तो वो चीखी, उसकी चीख पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए। अब जब तक हकीम और डॉक्टर होता तब तक मोहम्मद हुसैन को इस कदर तकलीफ हुई कि रूह उनसुरी से परवास कर गई, कफा से उनसुरी से परवास कर गई। माँ सदमे में खड़ी थी, मोहल्ले के लोग उसकी माँ को पुरसा दे रहे थे कि मतबा नजफ की रहने वाली है, नजफ में रहती है, मौला अली के जवान में रहती है। उसने अपने आप को जब देखा कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बुढ़ापे का सहारा मर गया, उसने अपने आप को पीछे कदम किया। आई एक जगह पर जहाँ मुकद्दस जगह थी, जहाँ पर कुरान रखा था, उसने कुरान उठाया बाला खाने पर गई, अपने छत के करीब बाला खाने पर गई। नजफ में रहने के बाद उसने करबला का रुख किया। उसने करबला का रुख किया, करबला का रुख किया, आवाज दिया, ए मेरे मौला हुसैन, अब तो आया हुआ सुनना, यहाँ का खामोशी से सुनते, ए मौला हुसैन, ए अकबर के बाबा, कि जैसे ही अभी वो दुआ कर ही रही थी कि नीचे से मोहल्ले के लोगों ने शोर मच गया, मातरे मोहम्मद हुसैन, मातरे मोहम्मद हुसैन, नीचे आओ, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है। अब क्या था कि मोहम्मद हुसैन की मां जब नीचे आए, उसने बेटे को गले से लगा लिया। तब बेटा कहां चले गए थे, मैं दुकान गई थी, कहा मां मैंने कुछ अंगूर के दाने खा लिए, मेरी तबीयत में तगैयुर आया, मुझे उसके बाद ऐसा लगा जैसे मुझे कोई ले जा रहा है। अभी रास्ता तय ना हो पाया था कि कोई मजनून मेरे सामने आ गया, सुन रहे हो, कोई मजनून मेरे सामने आ गया। उसने आवाज दिया ले जाने वाले से कि जाके इसको वापस कर लाओ, इसकी मां ने मुझे अकबर का वास्ता,